हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का, कितने कितने नंबर के आपके पेपर होंगे और आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, बुक्स लेनी चाहिए या एग्ज़ाम टाइम जो नोट्स आती हैं उसको लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन दोनों में लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे हमारा ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी है तो वो लोग अपने सब्जेक्ट भी टाइप करके बता रहे थे कि हमारे बीए में ये है, बीएससी में ये है, तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें। ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में ही बता देता हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं। तो देखिए, ये जो चार सब्जेक्ट होते हैं ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं सभी लोगों के। ठीक है, चाहे आपका ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आपको ये चारों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चेंज होता है सेकेंड सेमेस्टर से चेंज होता है आपका जो फाइनल ईयर में सेकेंड सब्जेक्ट, यानी कि दो जो सब्जेक्ट बचे रहते हैं उसी को आपको लेना पड़ता है और दो सब्जेक्ट कॉलेज से लेने पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में और कितने कितने नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि बुक्स लेना ज़्यादा बेटर रहेगा या नोट्स। तो देखिए, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपको वहाँ के जो टीचर होते हैं आपको ज़बरदस्ती ही बुक्स दिलवा देंगे पढ़ने के लिए। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा नोट्स, जो एग्ज़ाम के टाइम आ जाती है। ठीक है, इसी से आपका सारा कवर हो जाता है। अगर आप लोग इसे अच्छे से कहानी की तरह पढ़ लेंगे उसके बाद तो लिखना अपने मर्जी से ही है, सबसे बेस्ट यही है। बुक्स पढ़ने के इच्छुक हैं आप लोग तो ले भी सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया नोट्स होती है। तो चलिए सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा शिक्षा और अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। इसके आगे देखते हैं कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लेखक इसके हैं विजय शुक्ला और ये सहारा की है। ठीक है, और भी कई प्रकाशन की आती हैं, जैसे A1 की आती है, अभी मैं A1 के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका चैप्टर है शिक्षा का अर्थ। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा दर्शन परिभाषा हो गया, शिक्षा और दर्शन का परस्पर संबंध हो गया, महात्मा गांधी के बारे में हो गया, स्वामी विवेकानंद के बारे में हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गिरजू भाई के बारे में हो गया, एंड यहाँ पे देख सकते हैं रूशो, जॉन डीवी, तो तमाम तरह के यहाँ पे लेखक हैं। उसके बाद यूनिट थर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा हो गया, मूल्य शिक्षा हो गया, धर्म के बारे में है, तो ये सारे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये देख सकते हैं ये चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह के रहते हैं। इसका मूल्य 50 से 55 रुपये रहता है, आप लोग ले सकते हैं मार्केट में, ये देख सकते हैं आप लोग। 70 नंबर का एक पेपर होता है आपका, तो चार पेपर होते हैं, 280 का होगा, बाकी जो टोटल पूर्णांक होता है 500 का होता है, बाकी जो नंबर बचते हैं आपका इंटरनल हो जाता है, वो प्रैक्टिकल का हो जाता है, तो सारा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपका दूसरा सब्जेक्ट दिखाता हूँ, ये दूसरा देख सकते हैं आप लोग, ये भी सहारा की है, सब्जेक्ट नाम है समावेशी शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सहारा की ही है, यहाँ पे थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा गया है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा के विकास पर विस्तार प्रकाश डालिए, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पास से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं। हालांकि अभी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा क्या क्या है इसमें, देख लीजिए आप, यह भी 50 रुपये से 55 रुपये के बीच में आ जाती है, आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट आपका हो गया समावेशी शिक्षा। थर्ड में आपको दिखाता हूँ, थर्ड आप लोग देख सकते हैं ये A1 की है। ठीक है, A1 की है, अगर आप लोग इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपका सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी का थोड़ा इधर उधर रहता है बट सेम ही सबका रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर, ये सब्जेक्ट नाम है तीसरा शिक्षण व अध्ययन का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, यहाँ पे विषय सूची देख सकते हैं, शिक्षण संकल्पना प्रकृति विशेषता का प्रभाव, सीखने का क्षेत्र हो गया, अधिगम के हो गया, एंड शिक्षण के प्रतिमान एवं विधियां हो गई, तो तमाम तरह के देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को रोक के देख सकते हैं आराम से, यानी कि टीचिंग के बारे में आपको इसमें दिया रहता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो टीचिंग आपको अच्छे से आने लगती है, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ये सारा इसमें दिया रहता है। ठीक है,
सीखने का क्षेत्र हो गया, तो तमाम तरह के चैप्टर हैं, आप लोग इसे ले सकते हैं थर्ड सब्जेक्ट। अब मैं आपको फोर्थ सब्जेक्ट दिखाता हूँ। फोर्थ सब्जेक्ट आपका ये रहा, ये भी सहारा की है। सब्जेक्ट का नाम है विद्यालय प्रबंध एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है। इससे आपको सीख मिलती है स्कूल के बारे में, ठीक है, स्कूल के बारे में सीख मिलती है कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। सारा कुछ स्कूल के बारे में दिया रहता है, ठीक है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो स्कूल में कैसे कैसे आपको मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है, बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, स्टाफ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सारा चीज़ इसमें दिया रहता है कैलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ होना चाहिए, उसके बाद व्यवस्थापन संगठन एवं प्रशासन, और आगे देख सकते हैं एंड एक अच्छे प्रबंधन के गुण क्या होने चाहिए, और विद्यालय सत्र कैलेंडर समय तालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में आता है। उसके बाद विद्यालय भवन, यहाँ तक विद्यालय भवन छात्रावास कार्यालय अभिलेख, यानी कि विद्यालय के भवन के बारे में आपको बताना होता है, छात्रावास के बारे में, कार्यालय के बारे में। तो ये तमाम तरह के हैं, विद्यालय पुस्तकालय लाइब्रेरी के बारे में, शिक्षा के गुण कौन कौन से होने चाहिए, तो ये तमाम तरह के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 50 से 55 रुपये की आ जाएगी बुक, आप लोग मार्केट में ले सकते हैं। हालांकि अभी नहीं आई होगी, अभी तो आपका सत्र भी नहीं स्टार्ट हुआ, दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा और काउंसलिंग आपकी 19 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। तो ये थी बुक्स, आप लोग ले सकते हैं, ये चारों देख सकते हैं आप लोग, आपको हर जगह ये मार्केट मिल जाएंगी, मार्केट में मिल जाएंगी आपको ये बुक्स। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है बीएड से संबंधित, आपको कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे ही कोई भी बीएड की अपडेट रहती है काउंसलिंग संबंधित, आपको इस चैनल से सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।